चले ठीक है, रोते रहे, पेट्रोल 180 पहुंच गया, 200 पे भी जाएगा, 500 पर घी है, ये 600 पे भी जाएगा, और महंगाई के लिए आप हुकूमत को कोसते रहें, कोई साइड बिजनेस ना कीजिएगा, आपकी सैलरी 30-40 हज़ार रहेगी, और इसी के अंदर आपने रोते रहने, कब कहा कि यही सिर्फ कारोबार है, दुनिया के आसान तरीन कारोबार की एक लिस्ट मुझे दी जाए, मैं आंखें बंद करके जो है लब्बड़ का कारोबार करूंगा, क्योंकि जो इसमें मुनाफा है वो किसी कारोबार में नहीं है, और जितना आसान तरीन ये कारोबार है वो कोई कारोबार नहीं। मैंने इस कारोबार के लिए अपने अब्बा जी को तंग नहीं किया, सेल्फ मेड पर्सन हूँ, 10 जोड़ों से शुरू किया था, आज आपके सामने ये एवरी है, ऊपर 3 मरले की एवरी बनाने जा रहा हूँ, 200 जोड़ा लगेगा वहाँ पे, और जो इसमें कमाई है वो किसी कारोबार के अंदर कमाई नहीं है। दिल मानता है तो ये करें, दिल नहीं मानता तो जो मर्जी। हम लाहौर के एक मिलीनियर को पकड़ने में कामयाब हुए, ये वो लड़का है जो हमारे देखते ही मिलीनियर बना। भाई आप मिलीनियर कैसे बने? जी सर, ये छोटा सा कारोबार था, 10-12 जोड़ों से स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने देखें जी, जो यूरोप से इंपोर्ट करके जोड़े, उनकी प्रोडक्शन ली, प्रोडक्शन लेने के बाद घर पे पेरअप किए, उसके बाद कुछ सेल आउट किए, और आहिस्ता 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 इसमें ग्रो किया मैंने। अदनान भाई आप मिलीनियर कितने अरसे में बने? 2 से 3 सालों के अंदर। 2 से 3 साल के अरसे में। अब ये बताएं कि बेशुमार कारोबार थे और बेशुमार कारोबार आप कर भी रहे हैं जी, लव बर्ड्स को पपियाँ जफियाँ बस वजह? बेसिकली हमारा जो वाला साहब से काम चल रहा था वो था लोहे का काम, बिल्डिंग्स के आते थे, ठेके आते थे, जिसमें हमने वो लोहे की खिड़कियां और दरवाजे और दिस एंड दैट काफ़ी कुछ चल रहा था, वो अपना कारोबार था, वो भी किया। उसके साथ पिज़्ज़ा हट के अंदर मैंने जॉब भी की, 7 साल वहाँ पर रहा, कि एक सेल्फ मेड पर्सन जो आप कहते ना कि यार मैंने खुद कुछ करना, कारोबार वाला साहब का नहीं रन करना, अपने तौर पे कुछ करता हूँ, वो भी करके देखा। उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ फार्मिंग भी कर रहा हूँ, तो उसमें वो मज़ा नहीं है जो इसमें है, मैं वो सब कुछ छोड़ूंगा, ये कर लूँगा, क्योंकि ये आसान तरीन कारोबार है। आप इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आप शुरू में करते हैं वो पहले क्लच के अंदर ही मिल जाती है आपको, साल में 3 क्लच देते हैं ऑर्गेनिकली, हम फोस्टरिंग करवा के 5-6 भी ले लेते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट होती है पहले क्लच के अंदर ही बाहर आ जाती है, बाकी 6-7 साल इन्होंने ब्रीड करना है, वो आपका प्रॉफिट ही है। चलिए सर अब ना अपना तारफ करवाइएगा। जी मेरा नाम अदनान राजपूत है, मैं ACP एगापोनिस क्लब ऑफ पाकिस्तान का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, अभी उसकी मीडिया टीम को भी हैंडल कर रहा हूँ। उसके बाद जो है ACP क्या है, ACP जी BVA से एफिलिएटेड है। अब BVA क्या है, बेल्जियम की सोसाइटी है जिसमें लव बर्ड के स्टैंडर्ड्स को पूरी दुनिया फॉलो करती है, पूरी दुनिया के अंदर उसके स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ACP है जो उसे एफिलिएशन है। हम लोगों को सिखाते भी हैं, उनको टीच भी करते हैं, फिर साथ मैगजीन्स देते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स हम कर रहे हैं, इवेंट दो अभी पेशावर के अंदर रिसेंटली किया, गुजरावाला के अंदर किया, फिर इस्लामाबाद के अंदर किया, और पूरे पाकिस्तान में ये करेंगे, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं इसकी। चले अदनान भाई लोग आपकी वीडियो यानी लव बर्ड फार्मिंग की वीडियो क्यों देखें, क्यों टाइम ज़ाया करें आपकी वीडियो पे, कौन से लोग देखें और उनको क्या मिलेगा? सर बेसिकली ये हर बंदे के लिए है, आप जो मर्जी कारोबार कर लें, एक करोड़ोंपति बंदा भी होगा ना उसको भी पैसों की ज़रूरत होती है तो वो कारोबार करता है ना, कैसे अगर मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हो तो आप नहीं रखेंगे, आपको चाहिए होंगे, तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हर बंदे को चाहिए होता है। फिर उसके अलावा हमारी बहनें पर्दादार, हम मुस्लिम कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो बहनें बाहर नहीं निकल सकती, अगर उन्होंने घर को सपोर्ट करनी है तो आप घर के कोने के अंदर जो है 2-4 पिंजरे लगाएँ, 4-5 जोड़ों से स्टार्ट करें, अल्लाह ताला बरकत देगा जी आपको। चले अदनान भैया आप अपना किस्सा बताएं, आपने कब और कैसे आगाज किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह किस मुकाम पे विराजमान है आप? ये मैंने जब स्टार्ट किया था इसको तकरीबन 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, और 15 लाख में भी तकरीबन मैंने जो थे 8 से 10 पेयर आए थे। अच्छी म्यूटेशन से स्टार्ट करें, सबसे पहले आपने जब भी बर्ड लेना पहले सीखें, अगले बंदे के ऊपर नहीं जाना कि बहुत बड़ा नाम है तो उससे मैं खरीद रहा हूँ तो अच्छी चीज़ देगा, आपको खुद पता होगा तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, जब तक आपको चीज़ का पता हो क्या खरीदना तब उसको परचेज करें, और लेटेस्ट म्यूटेशन में लगाएं पैसे, ओल्ड मॉडल्स में लगाएंगे तो ओबियसली आप नुकसान उठाएंगे। चलें अच्छा लव बर्ड्स की फार्मिंग में आपने तो कामयाबियों के बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए, अब ये बताएं कि लव बर्ड फार्मिंग में खामियां भी होंगी, सर पहले कोई खामी बताएं। इसमें सबसे बड़ी खामी ये है जो मैंने अभी जिक्र किया जिस चीज़ का, कि हम सीखते नहीं हैं,
सीखने के बिना काम करते हैं भाई। प्रॉपर्टी लेते हैं तो देखते हैं ना, पूछते हैं आस पड़ोस से ये उस बंदे के नाम पे है या नहीं है, ऐसे कोई मसला मसाइल है तो नहीं है, तो इसमें क्यों नहीं। फिर उसके अलावा कोई मोबाइल लेते हैं तो आपने सर्च करनी है कौन सा मोबाइल सबसे अच्छा है, फिर लेते हैं। तो जब लवबर्ड लेने का टाइम आता है तो आप बस नाम देखते हैं कि बहुत बड़ा नाम है, उससे परचेज कर लिया। ये हरगिज़ गलत है। आप पहले सर्च करें, आपने कोई भी बर्ड परचेज करना है उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको पता हो तो आप कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। चिकन फार्मिंग में ट्रेंड्स चलते हैं सर साहब, पाकिस्तान में लवबर्ड्स के भी ट्रेंड्स चला करते हैं। बेसिकली ये अभी मैंने जो रिसेंटली मेरी क्वेश्चंस का आंसर आपको पिछली बातों में मिलता रहेगा साथ साथ, मैंने कहा कि लेटेस्ट म्यूटेशन लेनी है। लेटेस्ट म्यूटेशन लेने का फायदा क्या होगा, महंगी होगी, आप उसको एक क्लच के अंदर ही पैसे पूरे कर लेंगे। 10 लाख का जोड़ा भी होगा ना तो पहले क्लच के अंदर पैसे पूरे हो जाएंगे। क्यों? लेटेस्ट म्यूटेशन जो होती है कम लोगों के पास होती है, आप उसको लेंगे, नए बंदे की भी वो ज़रूरत है और पुराने ब्रीडर की भी ज़रूरत है, जिसके पास वो नहीं होगी तो आपको बेचने में आसानी होगी। चलें लवबर्ड्स की एक बिज़नेस डिज़ाइन या बिज़नेस फिजिबिलिटी दीजिए और नौजवान लड़के लड़कियों के लिए जो बेरोज़गार हैं और अपने घर के हालात को या अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजारना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस प्लान जो आपकी नज़र में। सर जी इसमें ये है कि हर कैटेगरी का बंदा इसमें आ जाता है। आप कोई भी इवन दो आप फ्रूट की एक रेडी लगा लें, 5-6 लाख रुपया लगता है, इससे कम में नहीं लगती। लवबर्ड एक ऐसा शौक है, 30,000 रुपये में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, 30,000 से लेके 20 लाख तक का पेड़ है, आपकी डिपेंड करता पॉकेट कितनी है। 30,000 रुपया करती है, आप लगाएं उसमें जो बच्चे आते हैं एक साल होल्ड करें, 10 जोड़े बनाएं, 10 जोड़ों की प्रोडक्शन उसको मल्टीप्लाई करेगी। 30,000 के जोड़े से 1.5 लाख रुपया कमाते हैं आप साल का, देख लीजिएगा जी। बिल्कुल ऐसे ही है, 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। और 10 लाख वाले जोड़े से आप देखें क्या कमाएंगे, वो फिजिबिलिटी आपको बता नहीं सकता मैं। चलिए अच्छा, आपका सेटअप है माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है, बड़ी दिल को मुसर्रत हुई कि आप माशाल्लाह कामयाबी की एक आला मिसाल हैं। चलिए बताइएगा कि हम ना लवबर्ड चिकन ये इम्पोर्ट करते रहते हैं, एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जाते, इसका फ्यूचर कितना है? जब लवबर्ड्स आम हुए तो ये भी रुल जाएंगे, आम हो जाएंगे, मार्केट घिर जाएगी, लवबर्ड्स का कितना बड़ा स्कोप है, आप इसकी मार्केट को कैसे देख रहे हैं? सर सिस्टम ये है कि जैसे आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज ले लें, चिली ले लें, वेनेजुएला ले लें, इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी मुल्क की जो है वो बर्ड्स के ऊपर चल रही है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आएँ, आप 22 करोड़ अवाम जो अवाम है उसका 1% तक नहीं है अभी लवबर्ड के अंदर। अच्छा, फार्मिंग में अगर आप कहें कि आपको 200 बंदा मैं वो कर रहा हूँ, 200-300 बंदा जिसके पास 50 पेयर लगे हुए हैं, 100-200 बंदे को ब्रीडर नहीं कंसीडर कर रहे, 50 जोड़े वाले को ब्रीडर कंसीडर कर रहे हैं, तो आपको 150-200 बंदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी बहुत सी पॉकेट्स हैं और इसके ऊपर इतने को मोटिवेटर हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं, जैसे आप हैं, आप काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स अब इसके ऊपर आना शुरू हो गए हैं। और सर अगर आप लवबर्ड नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, बड़ा बर्ड लगाएंगे, 4-4, 5-5, 10-10 साल आप वेट नहीं कर सकते, हम बेसब्रे लोग हैं, पेशेंस नहीं होता हमारे अंदर। लवबर्ड ये है, आपने रोका, 3 महीने का बच्चा सेल्फ होता है, 8 महीने बाद ब्रीड करता है, मतलब कि अपने घर के बच्चे रोकेंगे अगले साल ब्रीड करेंगे, तो आपको ये कारोबार और कहीं नहीं मिलेगा। सर ये लवबर्ड्स की फार्मिंग कितनी टेक्निकल है, कितनी मुश्किल है, कौन से लोग इसमें किस्मत आजमाई करें, मीन टू से इसे सीखने के लिए कितना वक्त दरकार है, इसमें बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं या हर कोई बंदा थोड़ी सी मेहनत के साथ इसे कामयाबी से कर सकता है? अजमल भाई इसके अंदर ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने जस्ट करना ये है, हवादार कमरा हो, दोनों साइडों पर खिड़कियाँ हो, हवा आ जा रही हो, उसके अंदर क्या होता है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो निकलते रहते हैं फ्रेश हवा के साथ साथ। ठीक है, दूसरा सफाई का खास ख्याल रखना है, सफाई निस्बे ईमान है, तो सफाई आप रखेंगे तो बर्ड्स को मसले मसाइल होंगे नहीं। तीसरा इसके अंदर डाइट ऑलरेडी रेडीमेड मिलती है। ठीक है, करना क्या है कि साफ सुथरी करके आपने डालनी है, पानी डेली चेंज करना है और हवा के तनासब को देखना है कि हवा में नमी कम है ज़्यादा है या वो, और दिन में ये ऐसे नहीं होता कि बर्ड बीमार भी होते हैं इसके अंदर, मैं ये नहीं कहूँगा बीमार नहीं होते, लेकिन बर्ड बीमार होता है तो वो आपको बताता है, 6-7 दिन का टाइम देता है कि मुझे मेडिकेशन करें नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो इसके अंदर ऐसा मुझे जो 4-5 साल हो गए हैं इसके अंदर, मैंने कभी इसके अंदर ये सीन नहीं देखा कि यार एकदम से जो है वो पूरे का पूरा, जैसे चिकन के अंदर होता है पूरा फ्लॉक आपका चला गया, इसके अंदर ऐसे नहीं, मोर्टेलिटीज आती हैं, 100 में से 2 मर गए, 3 मर गए, 4 मर गए, ये ऐसे होता है। चलिए खूबी तो मुझे भी नजर आई कि हम चिकन फार्मिंग देखें, रैबिट फार्मिंग देखें, तो वहाँ पे ना स्मेल का फैक्टर बड़ा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल स्मेल लेस कारोबार है जी। सर बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी सफाई की वजह से, आप अगर जाहिर सी बात है वहीं पे बिटके पड़ी हुई है उसी के ऊपर पानी गिर रहा है और महीना महीना उसके अंदर ही पौधे निकलना शुरू,
तो इसमें भी स्मेल आएगी, लेकिन इसके अंदर ऐसा वैसी स्मेल नहीं है, गंदगी नहीं है, तो आपको वो मसले मसाइल नहीं होंगे। चले इसकी फीड का एक प्रॉपर शेड्यूल या चार्ट, इसकी वैक्सीनेशन का प्रॉपर मेडिकेशन, ये प्रॉपर आप लोगों को गाइड करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा इसके ऊपर यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर स्पेसिफिकली सिर्फ मेडिसिन के ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ। मेडिसिन के रिलेटेड ही वीडियो बनती है कि एक बर्ड अगर बीमार हो जाए तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और मैं ग्रुप्स भी रन कर रहा हूँ, कई फीमेल्स के लिए एक सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, मेल्स के लिए 4-5 सेपरेट ग्रुप बने हुए हैं जिसके ऊपर सब चीज़ें सिखाई जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चले सर, एक बड़ा कह लें कि जो कदगन लगती है या बड़ा इशू है वो ये है कि आप लोग ब्रांड बन गए हैं, आपकी पहचान बन गई है, आप मार्केटर हैं, ठीक है, आपकी चीज़ें बिक जाती हैं। अगर कोई माड़ा बंदा बंदी आएगा तो मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करेगा कि वो भी सर्वाइव कर सके, उसके बर्ड भी सेल हों? अजमल भाई, ब्रांड कोई चीज़ नहीं होती। ब्रांड क्या होता है? आपका प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होता है ना वो ब्रांड होता है। मेरा नाम किस वजह से है, या बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं उनका नाम किस वजह से? अच्छा बर्ड हो, अच्छा बर्ड होगा तो हर बंदे का बिकेगा। और दूसरी बात, आपके पास बहुत अच्छा बर्ड होता है तो आपको डिस्प्ले करना नहीं आता, आप अच्छी पिक्चर नहीं ले सकते उसकी, तस्वीर अच्छी लेंगे। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, आंखों को देखने को अच्छी लगेंगी तो उसमें इंटरेस्ट लेंगे ना। एक चीज़ आंखों को देखेंगे अच्छी नहीं लगेगी तो आप उसमें इंटरेस्ट क्यों लेंगे? उसके बाद खरीदने और बेचने की बारी आती है। 70% आपके मसले तभी खत्म हो जाएंगे जब आपके पास क्वालिटी बर्ड होगा। उसके बाद 30% जो मसले मसाइल होते हैं ना, वो क्या होते हैं जी? फेसबुक के 100-150 ग्रुप हैं, वो ज्वाइन करें। व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, जो आपकी यारियां दोस्तियां बनेंगी तो फिर आप उसमें ज्वाइन होंगे। आपके पास चैंपियन बर्ड भी होगा ना और घर लेके बैठे रहेंगे तो कभी भी नहीं बिकेगा। उसके बच्चे तब बिकेंगे जब आप वायरल करेंगे, 100-150 ग्रुपों के अंदर फेंकेंगे, जिसको चाहिए होगा उठा लेगा। आपने भी क्वालिटी बर्ड्स का राग अलापा। जी बिल्कुल। चले मेरा जहन बन गया कि अब मैं भी लव बर्ड्स की फार्मिंग करूंगा, तो भाई क्वालिटी पॉइंट्स क्या हैं, मैं क्वालिटी तक कैसे पहुंचूं? मुझे आइडेंटिफिकेशन या निशानियां नहीं पता, तो कैसे क्वालिटी बर्ड्स को मैं हासिल करूं और फिर फार्मिंग का आगाज करूं? जी इसके लिए जो है पाकिस्तान के अंदर ACP एगप कॉनपोनिस क्लब ऑफ पाकिस्तान है जो स्टैंडर्ड्स के ऊपर फॉलो कर रहा है, जो BVA से एफिलिएटेड है, जो मैंने स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन करवाया था। BVA सारे स्टैंडर्ड्स बनाता है जिसके ऊपर हम देखते हैं कि बर्ड की चूँच ऐसी होनी चाहिए, उसका रंग ऐसा होना चाहिए, परों का रंग ऐसा होना चाहिए, पंजों का रंग ऐसा होना चाहिए, ऐसा बर्ड बैठा हो तो ऐसे लगेगा, ये सब। उसको आप 4,000 रुपया फीस है पूरे साल की, अब वो ज्वाइन करें तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी क्या करना है आपने। चले जी, आप ना लोग आपसे रब्ता करना चाहेंगे, आपकी लोकेशन जानना चाहेंगे, ज़रा बताइए। ये मेन वॉल्टर रोड के ऊपर पैकेजेस मॉल के बिल्कुल साथ मेरा घर है। नंबर 03225205795। एंड पे ना कुछ दिल की बात सदका जा रही है समझ कर। दिल की बात ये है कि ये काम ज़रूर करें, मैं नहीं कहता लाखों लगा दें, ये नहीं कहता मैं। अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो ये 7-2-3 पेयर मेरे कहने पे लगाएं, अगले साल भाई को दुआएं देंगे। इसी तरह अदनान भाई तरक्की करते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच अजमल भाई।